इस नंगी सरकार को नंगा न कर दिया तो कोविड एलटी नाम नहीं हम लोगों का एकदम। जो हम लोगों को नंगा करके दौड़ा के रोड पे मारा है, मैं भी सभी साथी उन लोगों को नंगा करके छोड़ूंगा। गर्दन में हाथ देके साथी को धक्का मार के प्रशासन द्वारा बाहर दिखाया गया है। चोट नहीं, उसका इंजोरी मेरे पास है, मेरा पैर टूटा हुआ है, शाहनवाज जी का पैर टूटा हुआ है। दिए किस तरह से कल जो लाठी चार्ज हुआ इन लोगों पर, उसमें इन लोगों चोटें आई है और ये साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो घायल हैं, किसी का पांव टूटा हुआ है तो किसी के हाथ में चोट लगा हुआ है। अनिश्चितकालीन मर भी सकते हैं, आत्मदाह भी कर सकता हूं। मैं सरकार को बताना चाह रहा हूं, आत्मदाह के लिए आया हूं। जब मेरे पास कुछ बचा नहीं है ना तो मर के जाऊंगा, कम से कम परिवार को लाश तो नहीं मिलेगा कि साला कचरा का काम कर रहा था कचरा में चला गया। लोगों को मार के दौड़ा के भगाया गया। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का 60 साल तक कर दिया जाए। हर 3 महीने पे हम लोग को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता, हम लोग बार बार हम लोग को आना पड़ता और हर बार मार खा के 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। कहाँ गया रोजगार? आप रोजगार देने की बात करते हैं कि छीनने की बात करते हैं? मूर्ख समझ के रखे हैं बिहार के जनता को, कोविड एलटी को मूर्ख समझ के रखे हैं। इसके साथ साथ मंगल पांडे का कहानी मैं बता देता हूँ। मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप कान खोल के सुनिए। आप बड़े नेता हैं, सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन आप जो ये प्राइवेट योजना चला रहे हैं ना, ताला लग जाएगा आपके इस प्राइवेट योजना पे। महिला साथी को पीटा गया, मैं वीडियो दूंगा। मेरे साथी का गला पकड़ के दबा गया, वो वीडियो दूंगा आपको। मंगल पांडे जी, आप भी कान खोल के सुनिए। अब मैं आपकी बात को जेपी नड्डा तक पहुंचाऊंगा। मैं वो लोग हूं, मैं जेपी नड्डा से समय ले रहा हूं, माननीय मंत्री जी से, जो भारत सरकार के मंत्री है, सम्मानित मंत्री है, मैं उनसे समय लेके बिल्कुल बोलूंगा। ये बीएमसीएल, पीओसिटी और उर्मिला फाउंडेशन, ये बिल्कुल बिहार के शिक्षित लोगों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। 12,000 में खटा रहे, 10 महीने से सैलरी नहीं मिला है, 10 महीने से हम लोग को वेतन तक नहीं दिया गया है। मजदूर और काम करवाते समय हम लोग को दिन रात पीओसिटी उधर उधर सब जगह हम लोग को काम करवाया गया। 3-3 महीने का टॉप अप होता है ना, उसको सरकार अपने पॉकेट में रख ले और हमें संपूर्ण 60 साल की सेवा विस्तार अवधि दे। मतलब रिचार्ज कूपन समझ लिया? बिल्कुल रिचार्ज कूपन, टॉप अप, एयरसेल, एयरटेल का जो चलता था पूर्व जमाने में, वो धंधा ये सरकार लोग, गूंगी बहरी सरकार अभी भी अपना रही है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इनकी मांग जो है वो ये है कि हमें नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी इन लोगों को मिला हुआ था लेकिन नौकरी जो है नौकरी से इनको हटा दिया गया। 12,000 रुपया सैलरी और 3-3 महीने का एक्सटेंशन, जिनको बोला जाता है सेवा विस्तार अवधि, ये दो चीज था। और लेबर की मजदूरी से भी हम लोग की न्यूनतम अति पेमेंट है। लेकिन नौकरी से हटाए जाने के विरोध में लैब टेक्नीशियन संघ के तमाम लोग जो है वो गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है और सैकड़ों की संख्या में ये तमाम लोग जो है वो गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए हैं। रुक जाइए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इनकी मांग जो है वो ये है कि हमें नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी इन लोगों को मिला हुआ था लेकिन नौकरी जो है नौकरी से इनको हटा दिया गया। रुक जाइए, चलिए मैडम बैठ जाइए, आप भी सबके पास बारी बारी से आएंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम राजीव कुमार हुआ, हमारा नाम राजीव कुमार हुआ। जी क्या मुद्दा है, कब नौकरी से हटाए? 2020 से, मैं मामला पूरे डिफेंस में बता देता हूँ कि 2020 से हम लोगों की बहाली की गई थी, जो बहाली बिल्कुल बहाली के प्रक्रिया से हुई, बाजबते इंटरव्यू होते हुए। हम लोग 2020 से बहाली शुरू करते हुए काम करते हुए आज 2024 आ गई। 2024 में फर्स्ट बार सरकार एक आदेश निकालती है, राज्य स्वास्थ्य समिति का लेटर है, वो लेटर मैं आपको दूंगा। वो लेटर निकालती है कि आपको कार्य से रोका जाता है। ये एक 2024 की बात है, इसी साल। उसके बाद उसका लेटर भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दूंगा भी। एक बताइए कि ज्वाइनिंग हुई थी 2020 में आपकी, जी कितना रुपया सैलरी था आप लोगों का? 12,000 रुपया सैलरी और 3-3 महीने का एक्सटेंशन, जिनको बोला जाता है सेवा विस्तार अवधि,
ये दो चीज था, और लेबर की मजदूरी से भी हम लोग की न्यूनतम आय अति पेमेंट है। बिल्कुल मिला, अभी 6 महीना से बाकी है। अच्छा, हम कहाँ करें नहीं मिला श्रीमान, मिला, बिल्कुल मिला। हाँ। हमने कार्य किया, मिला। हम कभी मजदूरी करने जाएंगे तो मिलेगा ही, लेकिन आपके साथ ने जो हमने कमिटमेंट किया, हमने उस घड़ी जिस विकट परिस्थिति में सरकार का साथ दिया, समाज का साथ दिया, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उस समय विपक्ष हमको हटाए थे। और हम आपको विजय सिन्हा जी का जो अभी उप मुख्यमंत्री है उनका स्टेटमेंट सुनाएंगे कि कोविड का कार्य खत्म हो गया। मैं खुद हूं वहां पे प्रेजेंट, कोविड का कार्य खत्म हो गया और सरकार से निवेदन है कि इन्हें जनरल काम के लिए ही रखा जाए। ये 600 साढ़े 600 800 लोग हैं, इनको जनरल काम के लिए रखा जाए। उस एवज में उनके बाद जब इनसे हम मिले विजय सिन्हा जी से, तो ये इनका कहना हुआ ठीक है आप लोगों की मांग, जो नेता का टेक्निक है, हम भी उस चीज से जुड़े हुए लोग हैं, सर जान रहे हैं उस चीज को, लेकिन हमारी हमारी अभी मुख्य मांग है कि हमें काम से रोका गया है जनवरी के तरह, काम पे हमें वापस किया जाए, और ये जो 3-3 महीने का टॉप अप होता है ना, उसको सरकार अपने पॉकेट में रख ले और हमें संपूर्ण 60 साल की सेवा विस्तार अवधि दे। रिचार्ज कूपन समझ लिया? बिल्कुल रिचार्ज कूपन, टॉप अप, एयरसेल, एयरटेल का जो चलता था पूर्व जमाने में, वो धंधा ये सरकार लोग गूंगी बहरी सरकार अभी भी अपना रही है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। एक कोरोना योद्धा के साथ, एक फ्रंटलाइन वर्कर के साथ इस तरह का गंदा और बेभद्र मजाक किया जा रहा है, देख लीजिए आप लोग। क्या हुआ कल? कल की घटना मैं बता रहा हूँ। कल जब इन लोगों का मांग, हम लोग आज 1 तारीख से लेटर निकला हुआ, 1 जुलाई से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग सरकार से, जो सरकार में बैठे हैं उनसे मांग रखेंगे ना, जो हमारे मुखिया है उनसे मांग रखेंगे, लेकिन उस मुखिया का नेतृत्व देखिए कि प्रशासन को फोन होता है। हम लोग सभी आदमी सिर्फ वहां रुके हुए थे कि हमारे किसी भी, आप अपने दल को बुलाइए जो हमारी मांग 5 लोगों को रखे, वो वहां से फोन करता है और एक आवाज में, श्रीमान मैं न्यूज के माध्यम से बता रहा हूं, बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हुए महिला साथी को, पुरुष साथी को गाली गलौज, गल्ला में हाथ, मैं वीडियो आपको दूंगा, आपसे मैं बोल रहा हूं और मैं बहुत खुलेआम बोल रहा हूं, इस नंगी सरकार को नंगा न कर दिया तो कोविड एलटी नाम नहीं हम लोगों का, एकदम जो हम लोगों को नंगा करके दौड़ा के रोड पे मारा है, मैं भी सभी साथी उन लोगों को नंगा करके छोड़ूंगा। गर्दन में हाथ दे के साथी को धक्का मार के प्रशासन द्वारा बाहर दिखा किया गया है, चोट नहीं उसका इंजोरी मेरे पास है, मेरा पैर टूटा हुआ है, शाहनवाज जी का पैर टूटा हुआ है। ये किस तरह से कल जो लाठी चार्ज हुआ इन लोगों पर, उसमें इन लोगों चोटें आई है, और ये साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो घायल हैं, किसी का पांव टूटा हुआ है तो किसी के हाथ में चोट लगा हुआ है, किसी के सर में चोट लगा हुआ है। जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े बड़े बैनर पटना में लगे हुए हैं कि नीतीश का मतलब रोजगार, देख लीजिए मेरे भी बैनर में लगा हुआ है एनडीए का मतलब रोजगार। कहाँ गया रोजगार? आप रोजगार देने की बात करते हैं कि छीनने की बात करते हैं? मूर्ख समझ के रखे हैं बिहार के जनता को, कोविड एलटी को मूर्ख समझ के रखे हैं। इसके साथ साथ मंगल पांडे का कहानी मैं बता देता हूं। मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप कान खोल के सुनिए, आप बड़े नेता हैं, सम्मान करता हूं मैं आपका, लेकिन आप जो ये प्राइवेट योजना चला रहे हैं ना, ताला लग जाएगा आपके इस प्राइवेट योजना पे। BMCL, उर्मिला, POCT, ये सब 1,02,000-6,000 का नौकरी करो, बेरोजगारी उतनी है, और यही एनडीए की सरकार कहती है हम रोजगार दे, कहां है 5 लाख रोजगार, बताइए आप हमको। बहुत गुस्से में है आप। बिल्कुल हमारे साथ बहुत नाइंसाफी और बहुत गलत हुआ है। महिला साथी को पीटा गया, मैं वीडियो दूंगा, मेरे साथी का गला पकड़ के दबा गया, वो वीडियो दूंगा आपको। मंगल पांडे जी आप भी कान खोल के सुनिए, अब मैं आपकी बात को JP नड्डा तक पहुंचाऊंगा। मैं वो लोग हूं, मैं JP नड्डा से समय ले रहा हूं, माननीय मंत्री जी से, जो भारत सरकार के मंत्री है, सम्मानित मंत्री है, मैं उनसे समय लेके बिल्कुल बोलूंगा। ये BMCL, POCT और उर्मिला फाउंडेशन, ये बिल्कुल बिहार के शिक्षित लोगों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। कहां से आए हैं आप? मैं पूरे भारत बिहार से हूं, और कहां से नहीं, पूरे बिहार से हूं श्रीमान, मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम राजीव जी। ये धरना कब तक चलेगा ये बताइए? अनिश्चितकालीन, मर भी सकते हैं, आत्मदाह भी कर सकता हूं, मैं सरकार को बताना चाह रहा हूं, आत्मदाह के लिए आया हूं, जब मेरे पास कुछ बचा नहीं है ना तो मर के जाऊंगा, कम से कम परिवार को लाश तो नहीं मिलेगा कि साला कचरा का काम कर रहा था, कचरा में चला गया, कचरा में चला गया। मैं बस इतना ही कहूंगा, मरने आया हूं, आत्मदाह करने आया हूं बस, नहीं नहीं
तो सरकार कान खोल के सुने, सरकार कान खोल के सुने। एक हमारे रुक जाइए आप, मांग इतना ही है सरकार से, कान खोल के सुन ले, हम लोगों को उग्र होने पे मजबूर ना करे। दूसरी बात सरकार से मैं इतना ही कहूंगा कि आप हमें काम पे वापस लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि 60 साल हम लोगों को कर दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। साफ तरीके से परेशान तो ये लोग बहुत हैं, और यही कारण है कि ये लोग जो है वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं गर्दनी बाग में। एक कुछ और मिनट लेंगे बस, कि एक महिला साथी से हम बातचीत कर लेते हैं। कि महिला साथी कहाँ से आए हैं मैडम आप? हम लखीसराय जिला से हैं। कल तो मार लगी आप लोग? जी जी सर, हम लोग को मार के दौड़ा के भगाया गया। हम लोग बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का 60 साल तक कर दिया जाए। हर 3 महीने पे हम लोग को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता, हम लोग बार बार हम लोग को आना पड़ता, और हर बार मार खा के 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। तो हम लोग के साथ बहुत महिला पुलिस लोग भी बहुत बदतमीजी की, ढकेल दी, ढकेल के गिरा भी दी, जिसके कारण हम लोग गिरते बजरते किसी तरह जान बचाते। बोल रहे कि नीतीश कुमार महिलाओं का विकास करते हैं? जी नहीं, नीतीश कुमार कुछ भी नहीं करता। अगर वैसा विकास करते तो आज हम लोग रोड पे नहीं बैठते। अगर विकास होता तो आज हम नौकरी की बात करते हैं, इतना नौकरी का बहाली निकालेंगे। बहाली निकालना तो जो बहाली में है उसको बाहर कर रहे हैं, तो बहाली क्या निकाल रहे हैं? 12,000 में खटा रहे, 10 महीने से सैलरी नहीं मिला है, 10 महीने से हम लोग को वेतन तक नहीं दिया गया है मजदूर। और काम करवाते समय हम लोग को दिन रात POCT उधर उधर सब जगह हम लोग को काम करवाया गया, और पैसा के नाम पे कुछ जीरो, कुछ नहीं, सैलरी भी नहीं। यहाँ जो बैठ गए हैं अब, तो फिर से लाठी चार्ज होगा, पानी का बौछार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रहेंगे और डट के रहेंगे, मुकाबला करेंगे, और 60 साल का नौकरी लेके ही जाएंगे। बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। साफ तरीके से इन महिलाओं ने भी हुंकार भर दिया हो और कह दिया है कि हम डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। लैब टेक्नीशियन संघ के ये तमाम लोग हैं, और नौकरी से हटा दिया गया है इनको, और यही इसी मुद्दे को लेकर ये लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठ गए हैं। कल CM आवास भी गए थे ये लोग, लेकिन वहां पर लाठी चार्ज हुआ। लेकिन आज का जो माहौल है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम ये सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को जागना होगा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जवाब देना होगा कि आखिरकार इन लोगों का नौकरी का क्या होगा और इन लोगों को रोजगार कब तक मिलेगा। बने रहे, मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।